तो गाइज वी आर ऑल सेट। तो आज हम अपना ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं और टाइम टू टाइम आपको हम अपडेट देते रहेंगे। तो पहला रीच हमारा है जिम कॉर्बेट एंड देन उसके बाद हम मसूरी के लिए निकलेंगे। एट अ सडन प्लान बना है। तो इस व्लॉग में हम आपको पूरा लखनऊ से लेके उत्तराखंड तक एक चीज़ को एक्सप्लोर कराते हुए चलेंगे। तो वेदर भी आज का बहुत मस्त वेदर है। सुबह उठे थे तो बारिश हो रही थी। तो गाइज तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए। गाइड हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। पान खा के बोल रहा है। तो पान खा के बोल रहे हैं तो उससे क्या मतलब है बे? फिर से बोलो। और अगला स्टॉप हमारा झंटा ढाबा है। तो गाइस फाइनली हम झंटा ढाबा आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टॉप है और ये सीतापुर हाईवे पे पड़ता है। अगर आप दिल्ली जा रहे होंगे तो सीतापुर हाईवे पे आपको रास्ते में पड़ेगा। ये काफ़ी क्वालिटी फूड देते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है इनका ब्रेकफास्ट। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है लखनऊ से। तो गाइज़ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट था और अब हम लोग निकल चुके हैं। और अब अगला स्टॉप हम लोग अराउंड 100 किलोमीटर्स के बाद लेंगे और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं तो पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अराउंड 1.5 आवर्स में हम लोग पहुँचे। तो दूसरा स्टॉप हम लोगों ने बरेली में लिया था। जोहर का टाइम हो रहा था तो इत्तेफाक से रास्ते में हम लोगों को मस्जिद दिख गई। तो नमाज पढ़ के हम लोगों ने लंच किया एंड देन उसके बाद हम लोग निकल गए। अराउंड 350 किलोमीटर्स हम लोग चले हैं लखनऊ से और ये सातवां टोल है। और मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हम लोगों का टोल में जाता है, बट कोई नहीं, रोड्स भी बहुत अच्छी हैं तो वी कैन बी। टोल पार करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आई थिंक मैं सेकेंड या थर्ड टाइम ये सनसेट देख रहा हूँ और काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो
गाइज जैसे कि अंधेरा हो गया है, एक्चुअली रास्ते में हम लोगों ने एक जगह और स्टॉप लिया था, मगरिब की नमाज़ पढ़नी थी, तो रास्ते में ही हम लोग को मॉस्क दिख गई, तो हम लोगों ने रुक के वहाँ पे नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। और जिम कॉर्बेट के हम लोग काफ़ी करीब हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर जिम कॉर्बेट बचा है, तो आई थिंक हम लोग 45 मिनट्स में जिम कॉर्बेट पहुँच जाएंगे। और हम लोगों ने रिजॉर्ट में बात कर ली है और बस वहाँ पे चेक इन करना है, और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं आज, और उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग जंगल में एंटर कर चुके हैं और काफ़ी घना जंगल है, चारों तरफ अंधेरा है, और अगर हम लोग की गाड़ी ऊपर वाला ना करे, अगर ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे कोई हेल्प आने की भी कोई संभावना नहीं है, और लेकिन मज़ा आ रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पहुँच चुके हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है, स्विमिंग पूल भी है इसमें, और यहाँ पे देखिए एम्बियंस वगैरह भी बहुत शानदार है। तो अभी बात हुई है भैया से, तो सुबह 5 बजे हम लोगों को जंगल सफारी के लिए निकलना है, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन कोई नहीं, अब आए हैं तो थोड़ा सा एडवेंचर तो करना ही पड़ेगा। उठना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ट्राई करेंगे और उठेंगे, और सुबह 5 बजे हम लोग जंगल सफारी के लिए निकलेंगे। तो हम लोग अब अपना डिनर लेंगे एंड जल्दी सोने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। गाइस काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, हम लोग जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी करने जा रहे हैं। हम लोगों को 5 बजे बोला गया था रेडी रहिएगा, लेकिन एज़ यूजुअल हम लोग 45 मिनट्स लेट थे, तो अराउंड 5:45 हो रहा है और हम लोग जंगल सफारी के लिए निकले हैं, और चारों तरफ अंधेरा है, अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन धीरे धीरे सनराइज़ होगा, काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है हम लोगों का सफ़र। और चारों तरफ जंगल है, कुछ भी विजिबिलिटी अगर देखा जाए तो नेचर की विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो जो हेडलाइट से हम लोग देख पा रहे हैं बस वही है। हम लोग कतर्निया घाट में 2 राइड्स ली थी और दुधवा नेशनल पार्क में भी गए, लेकिन हम लोग को टाइगर कहीं पर भी विजिबल नहीं हुआ था, तो उम्मीद करते हैं जिम कॉर्बेट में हम लोग टाइगर को देख लें, क्योंकि देखिए जो रेयर एनिमल है सबको ख्वाहिश होती है कि वो देखें, और आप जैसे कि देख सकते हैं धीरे धीरे उजाला हो रहा है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल सफ़र होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सनराइज़ हो चुका है और जंगल हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये कुछ पार्ट है, लेकिन अभी भी हम लोग मेन गेट पे नहीं पहुंचे हैं। तो जिम कॉर्बेट पार्क टोटल 8 रीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो उसमें से जो फैटो जोन है, फैटो जोन का हम लोग आज जंगल सफारी करने वाले हैं। और ये देखिए कितना, मतलब आपको डियर देख सकते हैं यहाँ पे, ये हिरन है, और यहाँ पे स्वैम डियर भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, 2-3 तरीके की डियर आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो फाइनली हम फैटो जोन के मेन गेट पे पहुंच चुके हैं, देखिए लाइन से कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन इन सबको पार करते हुए हम लोग सबसे आगे जाएंगे और वहां पे हमारे गाइड साहब मिलेंगे। तो हम लोग यहां पे फैटो जोन की एंट्री पे रुके हैं, जस्ट 40। ये शरीफ इंसान का चेहरा देखिए, ये शरीफ इंसान का चेहरा देखिए। बहुत नहीं खेल पाएगी ना, मतलब अच्छे भी आए सारे 10 तरीके आए। हमको सारा पता था, ये ना कहो, अरे जाओ तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम लोग अब फैटो जोन में एंट्री लेने जा रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और मैं आपको यहाँ का सनराइज़ भी दिखाने वाला हूँ। अब एंट्री हो चुकी है हम लोगों की फॉरेस्ट में, यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कोई भी गार्बेज वगैरह हमको गाड़ी से नीचे नहीं फेंकना है, ठीक है? ठीक है, अच्छा हाथी दिखेगा, चिंधाड़े का
ये नेचुरल फॉरेस्ट है, एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स तो काफ़ी है, टाइगर, लेपर्ड, इतना आदमी देखे तो भाग, एलिफेंट, जैकॉल, वाइल्ड बोर, बेयर और अदर भी काफ़ी एनिमल है भाई। नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं यहाँ? पूरे जो जिम कॉर्बेट का एरिया है 1280 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसमें टाइगर की बात करें तो 260+ टाइगर है। 260 आप फाटो जोन का विजिट कर रहे हैं, जो इसका एरिया है 25 स्क्वायर किलोमीटर का है, इसमें टाइगर की बात करें तो 7-8 टाइगर है इस जोन में। रास्ते का एंजॉय करो, एक नया एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लोर करो। तो अराउंड हम लोग 5 किलोमीटर चल चुके हैं जंगल में, तो अभी तक हम लोग को सिर्फ स्वैम डियर एंड डियर ही साइट हुआ है और टाइगर अभी नहीं दिखा है, लेकिन आगे उम्मीद करते हैं कि आके हमको दिखे। और अभी फ़िलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी भूख लगी है, तो जंगल के बीच में एक कैंटीन है भैया ने बताया है, तो वहीं जाके हम लोग स्टॉप लेंगे और कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे वहाँ पे। तो मीट ऑफ द जंगल में हमने अभी स्टॉप लिया है और चाय और ब्रेड खाने के लिए, तो उम्मीद है कि आगे हम लोग टाइगर भी देखेंगे। मिड ऑफ़ द जंगल ये कैंटीन है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन चारों तरफ वायर लगे हुए हैं कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल आए तो उसको हल्का सा शॉक लगे और वो वापस चला जाए। ये सब हमारे भूखे सुबह के भूखे दोस्त बैठे हैं सारे, है ना, ये सब बैठे बस किसी तरह जल्दी से आए आ जाए और खा ले बस। हाँ घास छोड़ सब खा ले। लग रही काफ़ी ज़्यादा ठंड है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने कि इतनी ठंड होगी, लेकिन मिड ऑफ द जंगल है तो ऑब्वियसली ठंड तो होगी। क्लेम नहीं कर पाए आपको, नहीं चाहिए मैं चाय पी ले। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और ब्रेकफास्ट करके हम लोग दोबारा से निकले हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे, और जैसे कि स्वैम डियर हर जगह दिख रही है और कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं, और बस अब उम्मीद करते हैं जल्दी से कोई वाइल्ड एनिमल दिख जाए। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने वाइल्ड एलिफेंट देखा है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वाइल्ड एलिफेंट देखा है। देखिए एरिया में, जैसे अपने एरिया में तो बहुत लोग हाथी पालते हैं लेकिन वो सब पेट में आते हैं, लेकिन ये वाइल्ड एलिफेंट है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा हम लोगों ने एलिफेंट साइट किया है, अराउंड 25 जीप हम लोगों के साथ एंटर हुई थी, जिसमें से सिर्फ, अब बस हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोगों ने एलिफेंट देखा है उसी तरह हम लोग को टाइगर भी दिख जाए, तो यहाँ पे आना हम लोग का सफल हो जाएगा। और हमारे ड्राइवर और गाइड दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं हमको वो चीज़ एक्सपीरियंस। तो गाइस जैसा कि हमारे गाइड ने फील किया है कि जंगल में कुछ हलचल हो रही है, हम लोग को बिल्कुल भी बोलने से और शोर मचाने से मना किया। यू कांट बिलीव, देखें यहाँ पे हम लोग लेपर्ड को देख रहे हैं, एक और लेपर्ड उसके पीछे आया है, और आई थिंक ये बिल्कुल अपनी पूरी फैमिली के साथ घूम रहे हैं। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने सामने से लेपर्ड को देखा है, और नॉट इवन लेपर्ड, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ है, तो उसकी पूरी फैमिली को देख लिया है। तो फाइनली हमारी जंगल सफारी कंप्लीट हो गई, हम लोग 5:30 पे निकले थे अपने होटल से और अब अराउंड 9:30 हो रहा है, हम लोग वापस अपने होटल जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हमको तुरंत वहाँ से मसूरी के लिए निकलना है। तो काफ़ी अच्छा जंगल है, आप लोग अगर आना चाहें तो ज़रूर एक बार आइए। और हम लोग अभी जंगल सफारी करके आए हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत नया एक्सपीरियंस था,
और अब हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं, और चेकआउट करने के बाद अब हमारा अगला डेस्टिनेशन मसूरी है। तो रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, और अंधेरा होने से पहले मसूरी पहुंचना है।